अमर थे डिटरी ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम भारतीय मानचित्र की बात करेंगे जो परीक्षा में 5 नंबर का आता है, इसकी विस्तार से बात करेंगे सभी राज्य और इनकी राजधानी। मानचित्र के लिए इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण है दिशा। दिशा ज्ञान अगर हमें नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मानचित्र के अंदर राज्य नए पूछने जैसा पूछ लिया जाता है कि उत्तर पश्चिम के 3 राज्यों को केंद्रित कीजिए, पूर्व पश्चिम के कीजिए, तो दिशाओं का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि मानचित्र हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही देखा जाता है। जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम के अंदर हमारा मुख उत्तर की ओर हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमारे सामने वाली दिशा है उसको हम उत्तर मान लेंगे, इसको हम उत्तर मान लेंगे, और ये जो इन साइड वाली है पीछे वाली, इसको हम दक्षिण दिशा मान लेंगे। दो दिशा अपने पास आ गई, पूर्व और पश्चिम, ये जो हमारा दायां हाथ है आप उसको हम पूर्व मानेंगे, और बायां हाथ जिस दिशा में है उसको हम पश्चिम दिशा मान लेंगे। ये 4 दिशा हमारे पास आ गई, तो हम 4 दिशाओं को और केंद्रित कर सकते हैं। ये हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी, और ये दक्षिण पश्चिम, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम और दक्षिण। अब अगर मानचित्र में नाम न देकर सीधा पूछा जाता है कि उत्तर के इन 2 राज्यों को आप केंद्रित कीजिए, तो हमें ये पता है कि उत्तर पूर्व है किस दिशा में, तो हम यहाँ मध्य प्रदेश से ले लेंगे, क्योंकि ये उत्तर पूर्व है, ये केंद्रित करते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम उत्तर की दिशाएं को कवर करें ताकि अपना सही तरीके से दिशा वाइज हम कर लें। उत्तर में आते हैं तो भारत का जो उत्तरी छोर है जम्मू कश्मीर, कश्मीर और दक्षिण छोर भारत का कन्याकुमारी, उत्तरी छोर से हम चर्चा करेंगे ये वाला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला, उत्तरांचल या उत्तराखंड के देश को जिसकी राजधानी शिलोंग, इधर आते हैं ये अपना हो गया पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, फिर राजस्थान के पश्चिम हरियाणा, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है। 3 राज्यों की राजधानी केंद्रित करता है चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश है, संयुक्त की राजधानी भी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो यार रगड़े भाषा भी होगी आपके। फिर बढ़ते हैं अपना राज्य राजस्थान। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, राजस्थान के बाद इस राजस्थान में से ये काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान वाला, तो सबसे ये अपने आप याद रह जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, और एग्जाम में ग्रांटेड ग्रांटेड 10वीं 12वीं 8 में जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें गुजरात में से एक नाम पक्का पूछा जाता है। इसमें कई स्थान है, पोरबंदर, साबरमती आश्रम, राजकोट, कई स्थान है जो आगे हम आज में चर्चा करेंगे, उनमें आपको बताई जाएगी। इसकी राजधानी आपको याद रखनी है गांधीनगर। हम आते हैं उत्तर में, उत्तर से केंद्रित होता है उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पास अभी जैसे हम गुजरात की बात कर रहे थे, एक नाम गुजरात में सबका पूछा जाता है, वैसे एक नाम उत्तर प्रदेश में से हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से पूछे जाते हैं आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी फिर इधर आते हैं, ये बिहार, बिहार की राजधानी पटना। और ये आपको जो बीच में दिखाई दे रहे हैं मध्य में, नाम से पता लग रहा है कि मध्य, यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। फिर सपनों की दुनिया महाराष्ट्र, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये देखिए आपको ये छोटा सा जो कॉलम दिखाई दे रहा है, ये गोवा, गोवा। इधर आते हैं कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर, और गोवा की राजधानी पणजी। ये केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। इधर आते हैं केरल का पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, प्राचीन नाम मद्रास। तमिलनाडु के उत्तर में चलते हैं, यहां पे अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हैदराबाद, और ये जो नवीनतम राज्य बना था तेलंगाना। 2014 में जो नवीनतम राज्य बनाया गया तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका जो बिहार के साथ जो सीमा बनाता है, ये है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, इनके साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर, रायपुर। इधर आते हैं झारखंड, जिसकी राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, ये ओडिशा, नवीनतम नाम ओडिशा, प्राचीन में उड़ीसा कहा जाता था इसको। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैं अभी तक पश्चिम बंगाल तक आया हूं, ये जो राज्य है अपने, इनको इतिहास में सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो भारत है वो प्रायद्वीप उसको कहा जाता है। प्रायद्वीप कहा जाता है वो स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वह स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। तो देखिए भारत का पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, ये तीनों भाग जल से घिरा हुआ है। इधर हम पश्चिम की बात करें, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल के। लेकिन वो तटीय भाग कहां से शुरू होता है, वो होता है गुजरात से, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, गुजरात से सीमा बनाता हुआ पश्चिम बंगाल तक। ये तटीय याद रखना, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसका प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के किन दो या तीन तटीय राज्यों को केंद्र कीजिए। तो याद रखना, गुजरात से लेकर ये जो सीमा बन रही है, ये पश्चिम बंगाल, ये नौ राज्य हैं आपके।
उसके बाद इधर आते हैं जिसको इतिहास में सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर याद रखना। ये वाला नागालैंड, नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, जिसकी राजधानी कोहिमा। उसके बाद इधर आते हैं मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल। ये जो बीच में आपको केंद्र दिख रहा है ये असम जिसकी राजधानी देशपुर। इधर आते हैं ये अपना सिक्किम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक। इधर बढ़ते हैं ये मेघालय, मेघालय और ये जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। इधर त्रिपुरा, इसमें त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगर मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर याद रखना, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़। क्योंकि राजधानी इसलिए याद रखनी जरूरी है क्योंकि कभी राज्य न पूछे राजधानियां पूछ ली जाती है, उस समय हमें केंद्रित करना है। तो प्रत्येक राज्य की राजधानी हमें याद रखनी जरूरी है, हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद इसकी भी, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम देशपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला। ये सभी राज्यों के राज्य और राजधानी, इसका हमें जब भी अभ्यास करना है क्योंकि मानचित्र एक ऐसा है रटने से ये हमें याद होने वाला नहीं है, खाली मेप लेने बार बार अभ्यास करने। मैं इस वीडियो में आपको होमवर्क के माध्यम से ही ले रहा हूँ कि आपको खाली मानचित्र देने और इसका दो तीन बार इसका हमें अभ्यास करना है।